संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय स्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। बल्कि आपको मालूम है कि जब जापान से ये दादी जी आनंद किशोर भाई और रतनमणि बहन आई तो मैंने बाबा को पत्र लिखा दिल्ली से कि हमारा ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करें जब ये वहां से लौटे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, भले आप मद्रास में जाओ। इन्होंने मद्रास में भाई शिप आना था और मैं मद्रास में गया इनको लेने के लिए। जानकी दादी मेरे साथ गई क्योंकि उनके कोई लौकिक रिलेटिव मद्रास में रहते थे। तो फिर बाबा के पास जब मैं आया माउंट आबू में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कपड़े तो है नहीं, कोई कपड़े ले जाओ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी पेटी रखी जाती थी, जैसे पहले लोगों को दहेज में मिलती थी ना, बहुत बड़ी पेटी लोहे की, उसमें कुछ पुराने कपड़े रखे रहते थे। तो बाबा ने कहा कि इसमें से जो तुम्हें पूरा आए तुम पहन लो। जो भाई वो बात बता रहे थे अभी कि वो ढीला ढाला पहन लिया, तो उसमें से एक कोई जीन की पैंट थी और एक कोई कमीज थी, वो मुझे पूरी तो आई नहीं, पैंट मेरे ख्याल में यहाँ तक आई होगी। लेकिन चूंकि भगवान का वरदान था, बाबा ने कहा था कि इसमें से ले लो, तो हमने सोचा इसी में ही सफलता है, जो मिल जाए ये भगवान का तो वरदान है, प्रसाद है। तो उसमें से मैंने एक दो पैंट्स और वो ले ली, जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी थी, जो मुझे अधिक से अधिक नीचे तक आ सकती थी, वो भी मेरे ख्याल में जहां तक आनी चाहिए उससे 3-4 इंच ऊपर ही थी, अच्छा है कि घुटने तक नहीं थी। तो वो मैंने ले ली, काफी टाइम की पड़ी हुई थी ट्रंक में, बारिश वारिश में कुछ उनको जंग भी लगा हुआ था, उनको मुक्के मार मार के ठीक ठाक करके थोड़ा सा धोया और उनको हम ले गए। लेकिन वो ऐसी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मेरे ख्याल में जितने भी मद्रास के बहुत सारे प्रेस वाले थे वो आए, हमारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की, और दादी जी और आनंद किशोर भाई और रतनमोहिनी बहन तो कॉन्फ्रेंस का जो हमने टाइम दिया हुआ था वहां पहुंचे भी नहीं, उनकी शिप में कस्टम्स वालों में काफी टाइम लग गया उनका। तो आखिर मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बिहाफ पर अटेंड करके वो कर दी। लेकिन कहने का भाव यह है कि आज हम जो साधनों के पीछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति ठीक हो और बाबा के उसमें फेथ रख के हम कार्य करने चलते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्य में सफलता देने वाले बाबा हैं, वो सफल हो जाता है। उन प्रेस वालों ने भी देखा होगा कि ये तो कार्टून की तरह का आदमी है, इसने पैंट भी ऐसी पहनी हुई है, लेकिन हो सकता है उन पर यह प्रभाव पड़ा हो कि ये बड़ा सिंपल लाइफ का आदमी है। वट एवर इट इज, ये कुछ थोड़ा सा उन्होंने जो बातें याद दिला दी मुझे वो मैंने आपके आगे रखी। अब आज जो क्लास का विषय है, मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने क्या बात कहूँ। मेरे से पहले बहुत सी बहनें, दादी जी भी स्वयं 1.5-2 घंटा सब आपको बहुत सी बातें बता गई हैं, तो मुझे लगा कि ज्ञान तो सारा ही आपको बता दिया गया है, जो बताने योग्य बातें हैं बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान खिंचवा दिया गया है। तो मैंने ये सोचा कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो सिंपल बातें होती हैं, सरल जरूरी होती हैं वो कई दफा, लेकिन होती बहुत सरल है, देखने में बहुत ऑर्डिनरी होती है, लेकिन उनकी तरफ मनुष्य का ध्यान कई दफा खिसक जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वही बातें आपको कह डालूं। वो बातें जो आप सुनेंगे आपको लगेंगी ऑर्डिनरी सिंपल, लेकिन आप देखेंगे कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर आप उन पर गौर करेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके विषय में मैं आपका ध्यान खिंचवाऊं। मेरे जो आज क्लास है उसका टॉपिक क्या है, वो है परिवर्तन की कला, परिवर्तन की कला। क्योंकि 16 कला संपूर्ण की बात हम कहते हैं, लेकिन 16 कला संपूर्ण भी तभी बनेंगे हम जब हमें पहले परिवर्तन की कला आती होगी। अगर परिवर्तन की कला नहीं आती होगी तो 16 कलाएं भी आएंगी नहीं, उनका भी जो आधार है वो ये परिवर्तन की कला है।
आप देखेंगे कि बहुत दफा हमें ये कहा जाता है कि हम बाप समान स्थिति को प्राप्त करें, तो अभी की जो हमारी स्थिति है और बाप समान की जो स्थिति है उसके बीच में जो गैप है, वो गैप कैसे पूरा होगा? जब परिवर्तन आएगा। शिक्षा